दाबी आदायर जोन्नो विक्षोभ मिछिल करलो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट। बृहस्पतिवार तेलियामुड़ा स्थित दुष्की एलाकाय एनआरसी चालू करार दाबी निये टीपीएफर एक विक्षोभ मिछिल संघटित हय। उक्त मिछिलेर नेतृत्व दें पातालकन्या जमातिया। आजकेर ई विक्षोभ मिछिल सम्पर्के जानते चाइले पातालकन्या जमातिया जानान, एनआरसीर माध्यमे बैध भोटार चिह्नित करे अवैध भोटार वितारित करे प्रकৃত त्रिपुरावासीदेर अधिकार आदायेर लक्ष्ये এই আন্দোলন। তিনি আরো জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসনকাল দেখেছেন, সকলেই এক, রাজনৈতিক ফায়দা ফুরিয়ে গেলে সাধারণ মানুষকে ভুলে যান। অধিকার ভিক্ষা করে আদায় করা যায় না, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রকৃত ভোটার চিহ্নিত করে অবৈধ ভোটার বিতাড়িত করার মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এই আন্দোলন। অধিকার যতদিন পর্যন্ত আদায় না হবে আন্দোলন চলবে। ये पीसफुल नेशन आज सबसे सप्रेस्ड डिप्रेस है बाय इलीगल इमिग्रेंट। किसका वजह से हुआ? इंडिया गवर्नमेंट का घबिलटी का वजह से हुआ, इंडिया गवर्नमेंट का नेग्लिजेंसी के ये हाल हुआ। तो हम लोग इंडिया गवर्नमेंट में आज का ये दिन में रिमाइंड करता हूँ। इंडिया गवर्नमेंट कहा था, आज के ये दिन में कमिटमेंट एश्योरेंस किया था इंडिया का ऑल जेन्युइन सिटीजन का, 60 टिपरा जेन्युइन सिटीजन को हम लोग बसेंगी, पॉलिटिकल राइट्स देंगी, सेफ सिक्योरिटी पीसफुल रखेंगी। ताले कहा आज पीसफुल, कहा आज सिक्योरिटी, कहा आज हम लोग का राइट्स है। तो इसलिए जब तक हम लोग का राइट्स नहीं मिलता, जब तक हम लोग को पीसफुल नहीं रह सकता, जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलता, तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। आज का ये दिन में फिर हम लोग रिमाइंडर कर रही है, अगर इंडिया गवर्नमेंट कमिटमेंट अपना कमिटमेंट देकर अपना नहीं रख सकते तो त्रिपुरा को सरेंडर करो। अगर हिम्मत नहीं है त्रिपुरा को बचाने के लिए, अगर हिम्मत नहीं है अपना प्रतिश्रुति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा को सरेंडर करके वापस दे दो, राजतंत्र वापस दे दो। अगर बचा नहीं सकते तो आपका हक भी नहीं इसको दावा के रखना, इसको खत्म करना इंडिया गवर्नमेंट को। इसलिए हम लोग ग्रंटी साथ हम लोग अपील कर रही हो, आप अगर नहीं दे सकते तो त्रिपुरा को वापस दे दो। इसलिए हम लोग का ये लड़ाई आंदोलन जारी रहेगा, कंटिन्यूसली जारी रहा। हम लोग सिर्फ ये त्रिपुरा में नहीं, आज से 15 अक्टूबर में हर जगह जगह, हर डिविजनल कमिटी, हर प्राइमरी कमिटी में इसी आंदोलन चलते रहा। तो তেলিয়ামুড়া থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন দুরন্ত টিভি।